सर जी इमाम जो है वो शाहीन बाग का कोई अभी कोई मेंबर एम्बर नहीं है और कोई फाउंडर मेंबर नहीं है। सबसे पहले समित पात्रा को कहना चाहता वो एक बार यहाँ शाहीन बाग आके तशरीफ लाएं और यहाँ लोगों को देखें कि कौन देशद्रोही रहते हैं कौन देशभक्त रहते हैं। सारे क्लिप्स को काट करके दो ही बात को लेके डिसीजन चल रहा है और डिबेट चल रहा है न्यूज पे और चैनलों पे कि इंडिया से आसाम को अलग कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहीन बाग में हमारे दादाओं ने इनके गोरों से लड़ाई लड़ी थी, इन भूरे अंग्रेजों से हम लड़के दिखाएंगे। जैसे हमने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, इन भूरे अंग्रेजों को भी हम भगा कर दिखाएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग तरह के हथकंडे अपना के, अपने आईटी सेल के द्वारा, अपनी गोदी मीडिया के द्वारा, जिस तरह से शाहीन बाग और यहाँ के प्रदर्शनकारी यहाँ के जज्बात को के साथ खेल कर इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उससे ये पता चलता है कि सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है। जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया कि 500 रुपए में यहाँ की औरतें बैठती हैं, यहाँ बिरयानी के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कश्मीरी पंडितों को परेशान किया गया, इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाकर यहाँ के लोगों को बदनाम करने की कोशिश इसीलिए की जा रही है क्योंकि सरकार डरी हुई है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है कि डरी हुई है, आप ये देखना पसंद करेंगे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हर तरह के कम्युनिस्ट हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ स्टेज पर आकर बोलते हैं, यहाँ एकता की बात करते हैं, यहाँ संविधान बचाने की बात करते हैं। एक दो दिन पहले जो एक सरजील की वीडियो आई थी, पहली बात तो वो शाहीन बाग की वीडियो नहीं थी, वहाँ पे कहीं भी पोस्टर में या कहीं भी न्यूज़ में शाहीन बाग का लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं दिख रहा और सरजील ने उस स्टेटमेंट में बहुत सारी बात बोल दी थी। हो सकता है वो बोलते बोलते कुछ बोल गया हो, लेकिन उसके वीडियो के सारे क्लिप्स को काट करके दो ही बात को लेके डिसीजन चल रहा और डिबेट चल रहा है न्यूज पे और चैनलों पे कि इंडिया से आसाम को अलग कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहीन बाग में इलीगेशन किसी पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे लोग आसाम की बात कर रहे हैं या कानपुर की बात कर रहे हैं या लखनऊ की बात कर रहे हैं, यहाँ देश के अलग अलग टुकड़ों की कोई बात नहीं हो रही है। और उस पर एक ट्वीट समित पात्रा का भी आया था, हम लोगों ने न्यूज़ पे देखा था, वो सारी वीडियो को छोड़ के जो एक पॉइंट होता है उसको उठा लेते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। वो इतने बड़े लीडर हैं और इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ पे अभी इस बच्चे ने जो ट्वीट दिया अपना जो भी स्पीच दिया इसके स्पीच को उठाएं, बाकी जो बच्चे स्पीच दे रहे हैं उनके स्पीच को उठाएं। वो एक जो गलत स्टेटमेंट रहता है या मिस्टेक से वीडियो में कुछ गलत डाल दिया जाता है, कोई 500 रुपए वाली वीडियो डाल दी जाती है या कोई भी आईटी सेल वाली जो ट्वीटें डाल दी जाती है उसको उठाने की ज़रूरत ना है। अगर उन्हें यकीन नहीं है बिलीव नहीं है तो वो खुद आए, हम उनको इनवाइट करते हैं, आए हमें उनको दिखाएंगे कि शाहीन बाग में क्या प्रोटेस्ट चल रहा है और कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग। आप खुद देखिए कि इंडिया का इतना बड़ा नक्शा शायद ही हिंदुस्तान में कहीं बना हो जो यहाँ पर बना है, और इतने दिनों से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक जगह जमे हुए। एक शाहीन बाग ने आज 158 शहरों के अंदर शाहीन बाग बना दिए, तो ये सबसे बड़ी इसकी जिंदा दिली है कि हाँ ये हम सही हैं और सही साबित कदम रख रहे हैं, हम कोई गलत नहीं है। और सरकार डरी नहीं है, बौखला गई है कि करे तो क्या करें और क्या कदम रखें, तो वो कभी कुछ करते हैं। आज जो नारी बचाओ का जो नारा देते थे वो उनके ऊपर से कंबल उतार लेते हैं, आज वो बहनें सड़क पे ठंड में बैठी हुई हैं, आज उनको वो सुनने नहीं आते, उनको समझाने नहीं आते और कहते हैं कि हम जो है नारियों के साथ हैं। 17 लाख बहनें हमारी हिंदू बहनें ऐसी हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया, उनके लिए मोदी जी ने क्या करा बताइए, क्या करा? आज मोदी जी उनको कहना पड़ रहा क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे अहदे पे, लेकिन उन्होंने आज अपनी साख बिल्कुल क्या कहें, वो लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकलता, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गिरा दी है। इससे ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं गुजरा होगा जितनी इतनी बेइज्जती प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। हमारे बुजुर्गों ने इनका अंग्रेजों की ना गुलामी नहीं करी थी, ये तो उनके गुलामी करके उनके पेंशन पर पलने वाले लोग हैं। आज हमसे पूछते हैं कि हम देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, ये देंगे हमें देशद्रोही का देशभक्त का सर्टिफिकेट। यहाँ की कमेटी जो है लोग आवाम है उनके विरुद्ध एक FIR जरूर दर्ज करेगी, हम लोग इस पर मशवरा कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि दुनिया इस बात को नहीं जानती कि ये देश इतना बड़ा क्यों है। ये देश इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि यहाँ पर हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी सभी धर्म के लोग सभी फेथ्स को सभी बिलीफ्स को मानने वाले लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर वो किसी एक को अपनाएंगे किसी एक को छोड़ेंगे, वन नेशन वन लैंग्वेज और वन थ्योरी की बात वन आइडियोलॉजी की बात करेंगे,
तो ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कहता इस बात को, और वो एकदम गलत बात करेंगे। कल का एक वाकया हुआ बाबा रामदेव का, और वो शाहीन बाग आना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से उनको इजाज़त नहीं मिल पाई। तो उन्होंने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि ये जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है वो गैर संवैधानिक है। चलिए, ये गैर संवैधानिक अगर मानते हैं आप अपने ताकत के बल पे, आप अपने गुरूर के बल पे, काले अंधेरे में, काली रात में एक काला कानून लाके एक आवाम के ऊपर आप डाल देते हैं, वो गैर संवैधानिक है। यहाँ लोग जो संविधान के दायरे में रह के संवैधानिक तौर पे अपना पीसफुल अपने मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं, आप उन पर लाठियाँ बरसाते हैं, आप उनके बम बरसाते हैं। जो ऑर्डर आपका बिल्कुल आखिर होना चाहिए, बिल्कुल आठवा आपका आखिर होना चाहिए कि आप गोली मारेंगे, वो भी टांगों में। आप पहले गोली मारते हैं सीने के ऊपर, सर के ऊपर। ये कहाँ का वैशीपन है? आप इंसान ही है, जानवर भी नहीं है। आपको आप योगी और मोदी नहीं, आप इंसान नहीं, आप जो जानवर से बदतर हैं। जानवर जो होता है तो एक दूसरे इंसान दूसरे जानवर की नहीं सोचता है। आप अपने आवाम की नहीं सोचते और कहते हैं कि मैं इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री हूँ और झोला उठाऊँगा चला जाऊँगा। अरे अगर झोला उठाऊँगा तो उठाऊँगा। आपने हिंदुस्तान को झोले में डाल दिया, आपने हिंदुस्तान को झोले में डाल के आपने कबाड़े में डाल दिया। कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ था हिंदुस्तान और आज कहाँ पहुँच चुका है? आप अपनी बात करते हैं कि हिंदुस्तान को कहाँ लेके जाएंगे? आप जो है ऐसी जगह ले गए जहाँ से उठना हिंदुस्तान का बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम उठाएंगे और हम हारे नहीं हैं और हारते नहीं हैं। हम 70 सालों पहले जो लड़ाई लड़ी थी वो दोबारा लड़ेंगे। हमारे दादाओं ने इनके गोरों से लड़ाई लड़ी थी, इन भूरे अंग्रेज़ों से हम लड़के दिखाएंगे। इन जैसे हमने गोरे अंग्रेज़ों को भगाया था, इन भूरे अंग्रेज़ों को भी हम भगा कर दिखाएंगे। आज जब शाहीन बाग ने यह आंदोलन शुरू किया है तो सिर्फ ये CAA NRC के खिलाफ नहीं है, ये संविधान बचाने के लिए है। साथ ही साथ उन किसानों की आवाज़ बनी है जो इतने साल से कोशिश कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए। ये उन छात्रों की आवाज़ बनी है शाहीन बाग जो आज इतने सालों से परेशान थे। उन दलितों की आवाज़ बनी है जो इतने साल से लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे।